हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। हाल ही में एक मेलवेयर खबरों में आया है जिसका नाम है BlackRock एंड्रॉयड मेलवेयर। सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने BlackRock एंड्रॉयड मेलवेयर के बारे में जानकारी दी है। ये मेलवेयर अमेज़न, फेसबुक, जीमेल और टिंडर जैसे एप्लीकेशन से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी करने की क्षमता रखता है। तो जानेंगे इस मेलवेयर के बारे में, सो लेट्स स्टार्ट। तो हाल ही में एक सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है थ्रेट फैब्रिक। इसने BlackRock नाम के एक नए मेलवेयर के बारे में सबको अलर्ट किया है। ये आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड्स, पासवर्ड्स जिसकी जानकारी अमेज़न, फेसबुक, टिंडर, जीमेल या इसके जैसे एप्लीकेशंस पे उपलब्ध है, उन्हें चोरी कर सकता है। BlackRock एक Xerex मेलवेयर के लीक हुए सोर्स कोड पर आधारित है जो कि LokiBot मेलवेयर से लिया गया है। BlackRock मेलवेयर दूसरे ट्रोजन मेलवेयर से अलग है क्योंकि BlackRock पिछले मेलवेयर की तुलना में अधिक ऐप्स को निशाना बना सकता है। BlackRock फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का उपयोग करता है और फिर फ़ोन के परमिशंस को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड DPC यानी डिवाइस पॉलिसी कंट्रोलर का उपयोग करता है। फिर जब भी यूज़र्स लॉगिन करता है या क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कुछ इनपुट करता है तो मेलवेयर के सर्वर के पास सूचना चली जाती है। मेलवेयर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कई प्रकार के मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं। मेलवेयर के कई प्रकार होते हैं जैसे एडवेयर, बॉट्स, बग्स, रूट किट्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस और वॉर्म्स। जो वायरस होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये किसी कंप्यूटर में जाने के बाद उस कंप्यूटर के प्रोग्राम खुद ही बदल देता है और अपने कोड इंसर्ट कर देता है। इसके कारण सॉफ्टवेयर के डाटा डैमेज्ड हो जाते हैं, फिर वह प्रोग्राम सही से ऑपरेट नहीं करता है। दूसरा है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस और प्रोग्राम्स को ब्लॉक कर देता है और आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले पर रैंसम फीस की मांग की जाती है, या कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर को फिर से ऑपरेट करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। इस तरीके के मेलवेयर ईमेल मैसेजेस के द्वारा या किसी वेबसाइट के द्वारा या इंस्टेंट मैसेजेस के द्वारा आपके कंप्यूटर में भेज दिए जाते हैं। अगला है वॉर्म्स। कंप्यूटर वॉर्म्स भी एक प्रकार के वायरस ही होते हैं जिसे किसी कंप्यूटर में ऑपरेट करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने फंक्शंस की कई कॉपियां बना देते हैं ताकि उस एप्लीकेशन को कई बार डैमेज हो सके। फिर अगला है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स को असल में ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। असल में इसका ये नाम एंशिएंट ग्रीक स्टोरी से लिया गया है जिसमें ट्रोजन हॉर्स के कारण ट्रॉय शहर का पतन होता है। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन किसी भी यूज़र को मिसलीड करता है और उसके प्रोग्राम को ठीक से ऑपरेट करने नहीं देता है। लास्ट है बॉट्स। एक इंटरनेट बॉट, वेब रोबोट, रोबोट या बस बॉट होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट पे ऑटोमेटिक टास्क रन करने लगते हैं और ये बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं और आपके डाटा को चोरी करते हैं। BlackRock इसी कैटेगरी में आता है। तो ये थी पूरी जानकारी BlackRock मेलवेयर के बारे में। इसमें मैंने आपको और भी अलग अलग प्रकार के मेलवेयर के बारे में बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।